दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से लागू हो गया, जिसका असर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। जनता कर्फ्यू के चलते जरूरी सेवाएं छोड़कर बस, ट्रेन, फ्लाइट, कारखाने, कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, होटल, मंदिर, चर्च, मस्जिद सहित अन्य स्थानों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई को 22 से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील पर देश की जनता कर्फ्यू के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर ना निकले, ऐसा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब लोग खुद से खुद पर कर्फ्यू लगा रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू बस, रेल और हवाई सेवा बंद रहेगी। वहीं 23 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सोमवार सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 5 मौत हो चुकी है, जबकि 333 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।